दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो अकाउंट होता है उसमें कितना आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितना चार्ज लगेगा। एंड तो बहुत सारे लोगों ने बोला और बहुत सारे कमेंट किया मुझे कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो होता है वो अच्छा नहीं है, उसमें ट्रांजैक्शन सही नहीं होता, पैसे जल्दी नहीं ट्रांसफ़र होता है या फिर विदड्रो नहीं होता है। अगर आप गूगल पे फ़ोनपे के द्वारा पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में, तो आपका 2000 से ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसके बदले अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि मेरा इंडसइंड बैंक का इंटरनेट बैंकिंग है, एक्सिस बैंक का इंटरनेट बैंकिंग है, तो उसके अंदर जाके अगर आप पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में, तो आप जितना मर्जी उतना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें कोई आपका लिमिट नहीं है। ये जो डेबिट कार्ड है पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड, इससे आप डेली का 50,000 तक का विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप महीने में 5 बार ट्रांजैक्शन कर लेते हैं उसके बाद आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, पर ट्रांजैक्शन 20 रुपया। तो आज हम आपको ये भी प्रूफ दिखाएंगे कि मैं इस डेबिट कार्ड से कितना पैसा विड्रॉ किया और कैसे विड्रॉ होता है, या नहीं। तो आज हम चलते हैं आपको वीडियो प्रूफ दिखाने का कोशिश करते हैं। मेरे भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड है जो मैं बैंक ऑफ इंडिया का मशीन में स्वैप कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया आप यहां पे देख सकते हैं। फिर हम यहां पे अपना पिन डाल लेते हैं और फिर हम यहां पे विड्रॉ पे क्लिक कर लेते हैं, अमाउंट डाल लेते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं और मेरे यहां पे 10,000 फिर 5,000 करके 3 बार ट्रांजेक्शन किया। तो मैंने ओनली एक तो ट्रांजेक्शन का वीडियो किया, बाकी मेरे पीछे बहुत सारे लोग था इसीलिए वीडियो करने में डिस्टर्ब हो रहा था। पैसे यहाँ पे निकलने को तैयार है और एटीएम कार्ड अभी तक अंदर है आप देख सकते हैं, और मेरा कैश यहाँ पे विड्रॉ हो चुका है फाइनली। तो यहाँ पे मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लिया है ऑलरेडी। फिर यहाँ पे हम उसका पासबुक में लेकर चलते हैं मैंने कितना ट्रांजेक्शन किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी कितना मैंने रिचार्ज किया, कितना ट्रांजेक्शन किया, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एटीएम से विड्रॉ किया, कितना ट्रांसफ़र किया, आप उसको भी देख सकते हैं फाइनली। तो आप यहां पे देख सकते हैं एटीएम कैश विड्रॉ 5,000 रुपया, और यहां पे 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया करके तीन बार विड्रॉ किया, और 3 बार में 20-20 करके 3 बार चार्ज भी कटा, क्योंकि मैंने 5 बार से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर लिया। और 15,000 रुपया यहाँ पर मेरा मनी रिसीव हुआ, यानी कि ट्रांसफ़र किया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 रुपया एक ही बार में मैंने ट्रांसफ़र किया इंडसइंड बैंक के नेट बैंकिंग से। फिर नीचे आप देख सकते हैं और सारे मेरा ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे 12,000 रुपया फिर से मैंने ट्रांजेक्शन किया था, ट्रांसफ़र किया था। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 रुपया कैश विड्रॉ, उसमें भी 20 रुपया चार्ज करा, फिर से 10,000 किया, फिर से 20 रुपया चार्ज कटा, और नीचे 15,000 रुपया मैंने ट्रांसफ़र किया आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर से मैंने बहुत सारे, मतलब एक महीने में 5 बार होता है, मैंने बहुत सारे बार कर लिया है ट्रांजेक्शन, इसीलिए मेरा बहुत ज़्यादा चार्ज कट लिया है। 5 बार मेरा चार्ज कटा है और बाकी 5-6 बार मेरा बिना चार्ज के मैंने विड्रॉ किया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी। यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, तीन बार मैंने 5,000 करके विड्रॉ किया, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा कोई चार्ज नहीं कटा है पहले का। तो बस आप लोगों को मैं दिखाने के लिए ज़्यादातर ये मैंने ट्रांजैक्शन किया और ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो फाइनली आपने देख ही चुके हैं मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ट्रांजेक्शन किया और एटीएम से भी विड्रॉ किया, क्या चार्ज कटा। जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक करें, चैनल में नया तो सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें मेरे भाई।